हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रे वर्तमान जो बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रे जो नेक्स्ट जून मंथ रे जो नेक्स्ट जो आस 28 तारीख रे एग्जाम होबे जाउची बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रे। तो चलंतु फिलोसोफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रे मु ऑलरेडी यूनिट 1 ले सब चैप्टर कवर कर दीची। आपण जानतु जाके प्लेलिस्ट रे जाके सब प्लेलिस्ट रे छी प्लेलिस्ट रे सब आपण पाई परिवे। आज आम डिस्कस करबा यूनिट 2 रे एवं आज गोटे दिन में मुझे कह गोटे दिन में यूनिट 1 टा पूरा कवर करदेली से भाव में आज गोटे दिन में मुझे यूनिट 2 भी कवर करदेवि। पांचटा यूनिट मो 5 दिन में कम्प्लीट करी एवं कहीं भी आपण मानक मधुर पिला माने कहीं भी जमारु व्यस्त होंतु नहीं कहीं ना बहुत पिला मेसेज कर सार अल्प दिन रहले एग्जाम आप जहाँ भी पार्टी शीघ्र छाड़ू मुझ समस्त कहली टेंशन नि टोटल जो 5 चैप्टर अच्छी फिलोसोफिकल फाउंडेशन तापर मुझ चाइल्ड डेवलपमेंट छाड़ी तापर पुणी मुझे इंग्लीश पेडागोजी हो सोशल साइंस सबूति मुझ ए टू जेड सब मुझे डिस्कस करी कहीं भी टेंशन हूँ ना। ओके चलो आज आम लेट बिना लेट कर आम यूनिट 2 रु आज स्टार्ट करवा। सो यूनिट 2 रे पेडागोजी ऑफ सोशल सॉरी एडा कौन दे फिलोसोफिकल फाउंडेशन फिलोसोफिकल फाउंडेशन लो यूनिट 2 रे फर्स्ट अच्छी आम पढ़ा वैदिक एजुकेशन। ओके सो फर्स्ट पढ़ा वेद विषय द वेद आर द ओल्डेस्ट एक्सटेंड लिटरेरी मॉन्यूमेंट ऑफ द आर्यन माइंड जे आर्य जो आगुरी था सब आर्य लोक मैंने तो से आर्य जो आर्यन आर्य माइंड जो माइंड रे जो वेद वेद हूँ गोटे सब पुराणा और गोटे हूँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस द वेद आर द फर्स्ट रेकर्ड ऑफ मैनकाइंड जे मानव समाज रे वेद को फर्स्ट माने ताको चिन्हट कराइला एंड आर कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड वर्ल्ड सोडर पुराणा बही बोलिया को विचार करा जाए। वेदस आर कलेक्टिव विजडम वेदर अर्थ कौन जे कलेक्टिव विजडम त माने जे ज्ञान रो संग्रह ज्ञान को संग्रह करी गोटे जगार रखा को आम वेद कही था दे दैट मीनस आम वेद पढ़ले आमर ज्ञान बढ़े। ओके सो दे आर द कलेक्टिव विजडम ताको आम कौन कह कलेक्टिव विजडम कहींपर एंड द कलेक्शन आर डन बाय वेद व्यास द्वारा ये सब कलेक्शन संग्रह करा जाए। वेद आर अथरलेस एंड इटरनाल वेदर कौन सेमती अथर न था जे यही गोटे गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति लिखी था वेद ना सेमती किसी ना वेद होता हूँ अथरलेस तार कौन अथर न थाए एवं यहाँ गोटे इटरनाल मानते चिरंतन दैट मीनस तार कौन शेष न था। द वेदस आर अल्सो कॉल्ड जमी ये श्रुति वेद को श्रुति भी कहते जार अर्थ कौन द नॉलेज वाज रिक्वायर्ड आफ्टर हियरिंग दैट मीन्स शुणी सारापर जो ज्ञान लोक मैंने पिलाने पाई आम कह वेद तेनाद कहले कमी यहाँ हुए ना यहाँ को पढ़ा जाए और शुणिकी जो मैंने जहाँ भी किसी नलेज पाई कह वेद तेनाली श्रुति भी कहते मीन जो श्रवण कहें शुणी था। तो द वेद आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप चार प्रकार वेद अच्छे गोटे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और गोटे अथर्वेद। ओके फर्स्ट ऋग्वेद कौन कहला ना इट इज द हाइमिन सीन प्रेज ऑफ द गॉड ऋग जो ऋग्वेद कौन हुए ना ऋग्वेद हूँ कौन एटा गोटे प्रकार मंत्र जो तेणु वेद को कौन कह जाए ना एटा गोटे प्रकार मंत्र जो थे कि आम कौन करूँ ना प्रेज ऑफ गॉड भगवान को प्रशंसा करूँ। ओके सो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट एमंग ऑल द फोर वेद जिते चार जो चार्टा वेद कहे भितर ऋग्वेद हूँ सबुठू पुराणा देर आर 10,522 वर्सेस इन ऋग्वेद ऋग्वेद टोटाल केतटा जो कविता धाड़ी रही 10,552 सब पुराणा वेद जो चार्टा वेद भितर यार काम कौन जो भगवान को प्रशंसा करवा। ओके नेक्स्ट पढ़ा सामवेद अच्छा सामवेद कहला जे सॉन्ग ऑफ द हाइमिन इन स्वीट म्यूजिकल टोन्स एटा हूँ गोटे प्रकार गीत जो थे कि टू एंटरटेन एंड प्लीज द गॉड भगवान को ए गीत शुणे कि कौन कराए सामवेद पढ़ी कौन कर एंटरटेन कराए आनंद दि जाए। साम मीनस कौन है सॉन्ग सामर अर्थ सॉन्ग तेणु गीत गायक गोटे 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 प्रकार गीत गाइले भगवान खुशी आनंदित हूँ एथेर टोटाल केतटा भर्सेस अच्छी जो कवितार धाड़ी रही 1875। नेक्स्ट कहला यजुर्वेद यजुर्वेद कौन ना यजु मीनस ए प्रोज और पैसेज यार अर्थ हूँ गोटे गद्य गोटे धाड़ी जो थे कि 1984 भर्सेस रही था धाड़ी रही था। लास्ट कहला अथर्वेद कौन ना लेटर इट वाज डेवलप्ड देर आर जे एटा हूँ पूरा लास्ट वेदटा बाहर ला एवं एथेरे 5,977 भर्सेस रही। ओके सो फोर पार्टस ऑफ वेद आम जानले एव्री वेद स्टैंड्स इन फोर पार्टस एवं सबू जो बर्तन पढ़ा जो प्रति वेदर जो चारिटा पार्ट रही कौन फास्ट कहला मंत्र समित तो मंत्र समित कौन कहला देखूँ
जे ए मंत्रस आर ए हाइमिन मंत्र जानचे ए हाइमिन एडेड टू से सम गॉड और गॉड जेटा कि देव बा देवी को पाई एटा होचु रखा जाय था द कलेक्शन ऑफ द मंत्र इज कॉल्ड समित तो जते बेले मंत्र मानन को जते कलेक्शन करिक रखा जाय ता को कहबा समित। अच्छा तो एटा गला मंत्र समित। नेक्स्ट होला द ब्राह्मणस। ब्राह्मणस कोन बर्तन देखिबा जे मंत्रस आर रिटेन इन प्रोज मंत्र को सब प्रोज आकार लिखा जाए गद्य आकार द नेम जो ब्रह्म इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ब्रह्मन ब्राह्मण लु ब्रह्म आज ओरिजिनल ता माने हूँ प्रेयर प्रार्थना। ओके नेक्स्ट गला अरण्यकोश। अरण्यकोश कौन ना द एपांडेजेस और टू दिज ब्राह्मणस आर कॉल्ड अरण्यकोश जे यही ब्राह्मण मानक आम अरण्यकोश भी कहींपर मेनली बिकज दे आर कंपोज और रिलैक्स इन द कामनेस अफ द फरेस्ट कहीं से जहाँ भी किसी जो सब मंत्र सब तैयारी करते कौटी ना जे कामनेस अफ द फरेस्ट जंगल गोटे शांत जगार। ओके लास्ट गला उपनिषद कौन ना द इनक्लूडिंग पर्सन अफ द कनक्लूडिंग पर्सन अफ द अरण्यकोश आर कल्ड उपनिषद मीनस अरण्यकोश जोटे शेष हुए तार शेष भाग को आम कह उपनिषद दीज आर इंटेन्सली फिलोसोफिकाल एंड स्पिरिचुआल एगुटा हूँ टोटाली फिलोसोफिकाल एंड स्पिरिचुआल थिंग्स एंड मे बी राइटली रिगार्डेड एज द क्रीम बा बेस्ट अफ द वैदिक फिलोसफी। वैदिक फिलोसफी या बेस्ट बोली कहा जाए उपनिषद। ओके एवं लास्ट पार्ट रे बर्तमान पढ़ा जे आम यू जान लें कौन बा शिखिले कौन देखु ये कहला जे द मंत्र समित एंड द ब्राह्मणस आर कॉल्ड द कर्मकांड जो मंत्र समित आ ब्राह्मण को दुटा मिसले आम कर्मकांड कह अरण्यकोश आ उपनिषद ए दुटा मिसले आपको आम कह ज्ञानकांड। ओके यहाँ मन रखिए तापर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेद वेदर किसी प्रिंसिपल रही से प्रिंसिपल विषय चलते पढ़ी नवा फास्ट गला द कनसेप्ट अफ वन गॉड एंड वन वर्ल्ड यार गोटे हूँ मुख्य कनसेप्ट कौन जो गोटे भगवान गोटे ही पृथ्वी द गॉड इज वन एंड ओनली वन एंड ही इज ओमनिप्रेजेंट जे भगवान हूँ केवल मात्र जड़े और से सर्वविद्यमान। देर आर थ्री एंटिटीज इन दिस वर्सेस यूनिवर्स यही जो विश्व ब्रह्मांड में तीन टा जिनस रही कौन भगवान आत्मा एवं जहाँ मैटर करे। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज जे जीवन शेष लक्ष्य कौन जे टू ऑब्टेन सल्वेशन इन यूनियन विथ गॉड जे भगवान सहित मिसी मुक्ति पाइबा यहाँ ही जीवन शेष लक्ष्य। ओके एक्शंस आर फॉलोड बाय द रिजल्ट जमीती आम कर्म करवा सेम रिजल्ट पाइबा सो दिस यूनिवर्स इज फॉर्म बाय गॉड एवं यही जो विश्व ब्रह्मांड भगवान द्वारा तैयारी होती द यूनिवर्स इज रियल जो विश्व ब्रह्मांड वास्तविक एंड इट इज नॉट एन इल्यूजन जमी कौन काल्पनिक घटना बा कौन मिथ्या नुहे। देर आर फोर आश्रम चारिटा आश्रम रही गोटे रही ब्रह्मचारी आश्रम गोटे रही गृहस्थ आश्रम गोटे रही बाणप्रस्थ आश्रम आ गोटे रही सन्यास आश्रम। ओके सो बर्तमान देखिए जे फास्ट कला ब्रह्मचारी आश्रम कौन ना एज ऑफ लर्निंग ब्रह्मचारी आश्रम जोटा कि एज ऑफ लर्निंग मीन्स जो एज विषय जो शिक्षा दान कराए गृहस्थ आश्रम कौन ना एज एज फॉर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू सोसाइटी एंड गॉड प्रति जो जिनस शिक्षा दान कराए। बाणप्रस्त्र आश्रम कौन ना एज ऑफ शेयरिंग नॉलेज टू अदर्स नॉलेज शेयर करा सन्यास आश्रम कौन ना एज ऑफ सल्वेशन विथ गॉड भगवान सहित जो मुक्ति जो पाइबार जो इच्छा। ओके सो लास्ट जिनस पढ़दा देने वेदर सरीज सो देर आर फोर पुरुषत जो टोटाल चारिटा पुरुष अच्छे पुरुष गोटे हूँ पुरुषार्थ तो पुरुष आ गए अर्थ पुरुषार्थ पर्सन अर्थ हूँ एम तेणु व्यक्तिर कौन लक्ष्य रही गोटे व्यक्तिर ना धर्म कर मीन्स से सब राइटियस जिनस हम अर्थ तापर राम कर मत्स्य मीनस मुक्ति पाइब। ओके सो आई होप भिडटी आम शेष करवा ए भिडटी बहुत इम्पोर्टाट गोटे टॉपिक थिला वैदिक एजुकेशन विषय नेक्स्ट मुझे अपलोड करी सो जदि आपको भिडटी भल लगे देन प्लीज सेयार करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।